होटल का ग्रेनेड हमारे घर में आइटम बम की तरह गिरा। हमारे घरों में आतंक सी छा गई। ये देखिए, हमने इनके लिए एसी लगवाया है ताकि इनका फोन हीट ना हो और ये अच्छे से गेम खेलें। हमने अपनी एसी दे दी इनको ताकि ये कॉन्करर पहुंच सके, लेकिन इनसे प्लेटिनम पार नहीं होता। और बात ऐसे करते हैं कि लगता है कि ट्रॉफिक जीत के लाएंगे, पीएनसीओ जीतेंगे पीएनसीओ। सुहीप प्रेमर भी तो कैसे हो यार, आप सभी लोग सो आ चुके एक और गेम प्ले वीडियो के साथ में। एंड आज की गेम प्ले वीडियोस भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि यार इस गेम प्ले में तुम्हें 1v4 क्लचेस देखने को मिल जाएंगे। सो अभी फिलहाल हम लोग उतर रहे हैं फैक्ट्री पे, क्योंकि यार यहाँ पे दो स्क्वाड आई थी और देखो यार अभी इन लोगों को कैसे बजाते हैं, बस गन मिल जाए तो फटाफट से इस वाले घर को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को हेल्थ किट मिल चुका है और सामने UMP पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को गन मिल चुका है और मेरे टीममेट्स को अभी गन नहीं मिला है। बट हम लोग वेट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फाइट चल चुकी है, तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे थर्ड पार्टी करने के लिए घुस जाएंगे। तो हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई बंदे कहाँ हैं। थोड़ा सा पहले देख लेते हैं उनका लोकेशन, कि वो एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगा तो हम लोग मार देंगे। तो भाई हम लोग आगे की तरफ जा ही रहे थे, भाई ये बंदा दिख जाता है तो इसको यार 2-3 बुलेट्स ही मारता हूँ, भाई ये नॉक हो जाता है, पहले से डैमेज पड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे नॉक पड़े हुए हैं, तो इनको फिनिश करने के लिए मैं आगे जाता हूँ। बट ये बंदा देख सकते हो इधर उधर कंफ्यूज कर देता है और यहाँ पे मेरा टीममेट से किल लेके चला जाता है। सो यहाँ पे ये बंदा आता है मारने के लिए और इसको मैं बहुत ही गंदा डैमेज देता हूँ, बट ये भी किल मेरा टीममेट से लेके चला जाता है। सो यहाँ पे मेरे हाथों से 2 किल यहाँ से निकल गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे जाता हूँ तो यहाँ पे जिसको मैंने नॉक किया था उसको मैं फिनिश कर देता हूँ फटाक से। अब इनका एक बंदा बचता है वो जो कि भाग जाता है, तो उन्हें उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और फिलहाल अभी इसको फटाफट से हम लोग लूटते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे एक बोट भैया आ जाते हैं हमारे, तो बोट भैया को तो हम लोग फिनिश कर ही देंगे। मेरे पास गन वन भी नहीं था तो इनके पास AKM था, तो भाई मार उड़ के AKM ले लिया जाता है। तो यहाँ पर हम फटाफट से AKM ले लेते हैं इनका। तो फैक्ट्री पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी, जो एक बंदा बचा था वो भाग चुका था। और फिलहाल अभी नीचे फायरिंग हो रही थी तो हम लोग आगे की तरफ निकल लिए और बंदे ढूंढने। और भाई साहब यहाँ से बग्गी लेके आ रहे थे 2 बंदे। अब इन पर हम थोड़ा सा फायरिंग देते हैं बट एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होता है। बट हम लोग देखो यार इनको कैसे मारते हैं। यहाँ पे मेरा AKM का बुलेट्स ख़त्म हो गया था और UMP का ऑलमोस्ट बुलेट्स ख़त्म होने वाला था, बट यहाँ पे मैंने इनको मार दिया। अब यहाँ पे हम लोग फटाफट से इनको लूटते हैं और लूटने के बाद से यार सामने से फायरिंग होती है तो हम लोग सीधा वहाँ निकल लेते हैं उनको मारने। गाइस आपसे एक बात पूछनी थी, जो मैं स्टार्टिंग में क्लिप बनाता हूँ वो आपको अच्छा लगता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि यार उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं और अच्छा लगता है मुझे। तो अभी हम लोग फिलहाल यहाँ आ जाते हैं और भाई यहाँ पे बंदे थे और यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ भाई यहाँ पे बॉट निकल जाता है। अब यार इसको मैं इतना ज़्यादा डैमेज देता हूँ फिर भी मेरा ये किल टीममेट लेके चला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक और रियल प्लेयर होता है तो देखो यार उसको कैसे मारते हैं हम। अरे ये रियल है, नेड कर रहा है, आई थिंक वो इधर नहीं है, नहीं ऊपर ही है, नहीं है कोई है, कहीं पे तो है बगल में, ये रहा पानी में तैर रहा है, पानी में तैर रहा है, इधर है आ रहा हूं पानी में गया, सर निकाल ले तो मारना आ जाए, आगे गया होगा वो बुरा बुरा। फिलहाल तो ढूंढने में मेहनत तो करता हूँ लेकिन किल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मेरे फिलहाल तो 3 किल तो मेरा टीममेट्स फ्री में लेके गया। तो वहाँ से हम लोग सीधा आ जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद से हम लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं और गाड़ी चेंज करने के बाद से हम लोग फिर से चले आते हैं इधर की तरफ। और इधर की तरफ भाई एक बंदा दौड़ते हुए जा रहा था, अब देखो यार यहाँ से कितनी भसड़ होती है। तो फिलहाल यहाँ से मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट देखने को मिलेगा एंड 1v4 क्लचेस देखने को मिलेंगे, तो देखो यार आप खुद। एक नॉक है उसका पत्थर के पास, एक उधर कंटेनर के पास, कंटेनर को हाँ हाँ देख रहा हूँ, हिल ले रहा हूँ मैं,
अब यहाँ पे मेरा हेल्थ एकदम से लो हो गया था, तो मैं सीधा ऊपर आके हील करने लगा, क्योंकि अगर मैं नीचे होता तो मैं अपने टीममेट की तरह मैं भी फिनिश हो गया होता। तो फिलहाल मैं नीचे आ जाता हूँ। और भाई यहाँ पे देखो ये बंदा, देखो ये बगल में जा रहा है, तो देखो कैसे मारते हैं इसको। ओ भाई, एनिमी डाउन। तो यार मेरा गन जो है M4 रीलोडिंग पे चला गया था, बट मैंने AKM निकाल के तुरंत उसको मार दिया। एंड जैसे मैं हिल लेता हूँ भाई, सामने से एक और स्क्वाड आ जाती है, तो देखो यार उनको भी कैसे निपटाते हैं। ये लोग पीछे से, ओ भाई बंदे आ गए। अरे आ रहा है ये। अब मैं सोचता हूँ ये डायरेक्ट ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे नेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं TPP लेने लगता हूँ, बट ये ऊपर आता ही नहीं है, नीचे ही रुक जाता है। तो मैं सोचता हूँ एक और नेड कर देता हूँ, क्या पता सीढ़ियों पे होगा, बट ये बंदा तो नेड कर रहा था मेरे पे ही। तो यहाँ पे मैं एक और नेड करता हूँ बट नहीं आता है, तो मैं सीधा जंप करके सीधा रस कर देता हूँ। तो इनके तीन बंदे ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं और एक बंदा बचा हुआ जो कि इस घर के सामने TPP ले रहा है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ कि यहाँ से एंगल मिलता है कि नहीं, वो पीकॉक लेता है कि नहीं, बट वो पीकॉक नहीं लेता है। तो मैं सोचता हूँ चलो इधर से घूम के चलते हैं। यार बहुत लैग हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाड़ी दिखाता है तो मैं थोड़ा सा इसको डैमेज देता हूँ, बट फिर से वो अंदर चला जाता है। चले जा, चले जा, और फाइनली मैं दो तीन बुलेट सीम मारता हूँ और ये मर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट से इनको लूटते हैं और लूटने के बाद से सीधा निकल लेते हैं जोन की तरफ। लेकिन मेरे गाड़ी का हेल्थ बहुत ज़्यादा लो था, तो थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग लेके चले गए आगे की तरफ। और जोन बना था पहाड़ियों के ऊपर, तो काफ़ी बड़ी एडवांटेज थी अगर हम पहाड़ियों पर चढ़ जाए तो। अगर ऑलरेडी बंदे पहुँचे होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिलहाल हम आगे जा रहे हैं बिना डरे हुए, तो देखते हैं क्या होता है। सो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ भाई, आगे देखता हूँ, बट जैसे मैं पीछे देखता हूँ भाई साहब गजब मारते हैं बंदे। मतलब दो बंदे वहाँ पे कैंपिंग करके बैठे हुए थे और वो चाहते तो मुझे इजीली मार सकते थे, लेकिन मार नहीं पाए। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद से यहाँ पे मैं हील करता हूँ पहले और उसके बाद से इनको मारता हूँ। देखो कैसे अब यार इसको इतना डैमेज तो देता हूँ, बट मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा लैग कर रहा था ना इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फ़ोन मेरा लैग कर रहा था। और मैं अपने टीममेट्स को बोल भी रहा था कि भाई मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, क्या आपका भी फ़ोन अपडेट के बाद से लैग होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पर हिल लेता हूँ, हिल लेने के बाद से मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, बट यार मुझे पता है यार बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है फ़ोन। तो आगे जाता हूँ तो भाई इनका एक टीममेट दिख जाता है, तो इनको मैं फिनिश कर देता हूँ इजीली। तो यहाँ पे इनको फिनिश करता हूँ और सामने उनका एक और टीममेट होता है, तो भाई उनको भी हम लोग फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे यार मेरा कॉल आ जाता है, तो थोड़ी दिक्कत होती है, बट मैंने मार देता हूँ, मैं कैसे भी करके इसको मार देता हूँ। अब मैं हिल लेते हुए थोड़ा सा आगे जाता हूँ और भाई जोन थोड़ा सा कट रहा था, तो फटाफट से इनको थोड़ा बहुत लूट लेते हैं क्योंकि हमें हीलिंग्स की ज़रूरत थी। और यहाँ पर मैं हील ले लिया। तो अभी फ़िलहाल तीन बंदे बचे हुए हैं, तीन बंदों में से एक डुओ है और एक सोलो है, तो और मैं भी सोलो हूँ। तो मैं इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट मेरे को पता चला कि भाई पीछे जोई की बंदे यहाँ पे फाइट ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक बंदा नेट करता है और एक बंदा नॉक हो जाता है
और एक बंदा ओपन में बैठा होता है तो भाई इसको पता ही नहीं है कि ऊपर से ही पड़ सकती है और मैं इसको इजीली फिनिश कर देता हूँ। अब एक बंदा बचता है जो कि यहाँ पे नेड किया था, वही बंदा बच जाता है। तो अब देखो यार फिर से मैं एक बार चेक करता हूँ तो भाई फिर से वो आके लूटने लगता है, तो भाई इसको मैं इजीली फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे यार फाइनली हम लोग को चिकन डिनर मिल चुका है विथ 15 किल के साथ। तो आपको आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो यार प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला बटन देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार 86% अनसब्सक्राइबर लोग मेरे वीडियो डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।